मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए दुल्हा हम सजाते हैं, चिड़ावा में नंबर वन दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी, विश्वास का एक ही नाम मोदी दुल्हा हाउस, आपका अपना कल्प वृक्ष हॉस्पिटल पिलानी, NABH प्रमाणिक अत्याधुनिक हॉस्पिटल। डॉक्टर देख रहे हैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, अपने मकान पर देख रहे हैं। हाँ, मकानों पे देख रहे हैं, न जांच कर रहे हैं, यहाँ डॉक्टर जांच लिख देता है। 8:30 बजे प्रॉब्लम हुई तो अभी बाथरूम ही सुलभ शौचालय जाके आया, फिर बाहर जाके आया, क्या करूँ, सुलभ शौचालय जाके आया 10 रुपए देकर, क्या करूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज एक बार फिर चिड़ावा सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। CHC के अंदर डेंगू का प्रकोप जो है वो चरम सीमा पर है, और पीछे लाइन देख ही रहे हैं आप कैसी लाइन लगी हुई है यहाँ पर पेशेंटों की, मरीजों के साथ में आने वालों की। दोस्तों, मेन उद्देश्य यही है कि अपने यहाँ पर जब शहरों संघ प्रशासन अभियान था उस समय कलेक्टर साहब ने आदेश दिए थे, निर्देश दिए थे छोटे लाल गुर्जर को कि चिड़ावा सरकारी हॉस्पिटल में जो टिकट खिड़की है वो एक से बढ़ाई जाए, दो की जाए, और अभी तक उस आदेश का, उस निर्देश का पालन नहीं हुआ है, और कि एक या दो रोज़ में ही काउंटर बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक बढ़ाए नहीं गए हैं। बाकी जो सफाई व्यवस्था है वो आपको हमने कल लाइव देखने को मिली होगी शिवनगर के फेसबुक पेज पर। तो आज यहाँ पर कुछ और जानने के लिए पहुँचे हैं, यहाँ के जो CHC के जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी मामले की जानकारी लेंगे। आखिर तक क्यों नहीं बढ़ाई गई है अभी टिकट खिड़की है, जो काउंटर जो है पर्ची का जो काउंटर वो क्यों नहीं बढ़ाया गया है, पूरी जानकारी लेंगे। सफाई व्यवस्था तो लचर है ही चढ़ाओ सरकारी हॉस्पिटल में, बाकी जगह भी सुनने को यही आ रहा है और कमेंट भी आप लोगों की यही आ रहा है कि सभी जगह ऐसी व्यवस्था है। खैर, पूरी जानकारी लेते हैं पहले चढ़ाओ सरकारी हॉस्पिटल में। अभी जो समय है 9:25 का है सुबह का, और देखेंगे कि यहाँ पर कैबिन में कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और CHC प्रभारी है वो है या नहीं, या फिर वो अन्य जगह पर अपने ऑफिस में बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो नितेश जी है हमारे यहाँ पर, तो CHC प्रभारी है वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, शायद हो सकता है दूसरे अपने ऑफिस में बैठे हो, और वो उनसे बातचीत भी करेंगे। और मनोज जी जानू हैं, तो जनरल हैं, वो भी नहीं है, आपने भी 9:30 बजे के समय पर अभी मौजूद नहीं है, हो सकता है कि उनकी ड्यूटी कहीं और हो या राउंड पर हो, वो अभी कहना उचित नहीं होगा। डॉक्टर अनिता पायल जी यहाँ पर मौजूद है, और 9:30 बजे का समय है तो वो यहाँ पर अभी मौजूद है फिलहाल। डॉक्टर टीना डाका भी यहाँ पर मौजूद है, आगे से दिखा दो, कैमरामैन को बोलेंगे आगे से दिखा दो, बिल्कुल टीना डाका जी यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल। दोस्तों, पेशेंट के साथ यहाँ पर उनके परिजन हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि कल के बाद में कुछ यहाँ पर कुछ व्यवस्था देखने को मिलेगा। हाँ, साफ सफाई हुई है आज हुई है। हाँ, अच्छा तरीका से, बढ़िया तरीका से साफ सफाई करी है। और आज से पहले तो दिक्कत ही साफ सफाई की, बाथरूम वगैरह साफ को नहीं होता, बहुत बिल्कुल। और आज कुछ फर्क है? आज तो बढ़िया से बढ़िया कर रहा है, साफ सफाई हुई है काल के बाद में, और ये तो ठीक है जी। और कोई समस्या है हॉस्पिटल में, जैसे कोई नर्सिंग स्टाफ की है, कोई स्टाफ में नहीं आता? तो आता है, नहीं स्टाफ आता है जी। तो आप सफाई ठेकेदार हैं? हाँ सर। क्या समस्या आ रही है कि समय पर सफाई नहीं हो पाती, कचरा नहीं उठ पाता? नहीं सर, अभी क्या हो रहा है कि पेशेंटों की भी भीड़ ज्यादा है, और इस वजह से क्या है कि हमारे कर्मचारी तो लगे हुए हैं और लगातार लगते हैं, और यहाँ पे दो वार्डों के बीच में एक बाथरूम है, इस वजह से ही बाथरूम में प्रॉब्लम। कौन से वार्ड में? तो काम ज्यादा होता है तो क्या सफाई नहीं हो पाती क्या प्रॉब्लम? हाँ तो सर, कर्मचारी इतने लगे हुए हैं ना, 5 ही कर्मचारियों की यहाँ पे अथॉरिटी है, तो क्या करें, यहाँ पे पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं फिलहाल, इस वजह से प्रॉब्लम। तो जैसे बाथरूम की कमी है यहाँ पर मैन? हाँ, बाथरूम की। तो महिला वार्ड में बाथरूम नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है बाथरूम। नहीं सर, देखते हैं बाथरूम है या नहीं। तो दोस्तों, इस वक्त महिला वार्ड है, उसके पास में ही लेडीज़ बाथरूम है, लेडीज़ टॉयलेट है, लेकिन उसके ऊपर हमेशा ताला लगा हुआ रहता है, सबसे बड़ी कमी है। और काफ़ी बार प्रशासन को, जो हमारे यहाँ पर BCMO साहब है, SDM साहब ने उनको कहा भी है, लेकिन अभी तक इस बाथरूम का कार्य नहीं हो पाया है, और इसी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। पेशेंट्स भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। आप महिला वार्ड में है तो टॉयलेट की समस्या आती है? टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है ना, और कहाँ हाथ तो करना। तो कहाँ जाते हो आप लोग? परलम जाओ, परलम वार्ड, पुरुष वार्ड में जाते हो? हाँ। तो यहाँ पर जरूरत नहीं क्या महिला वार्ड में? जरूरत तो है ही, यहाँ पर कहाँ करना। तो जो पेशेंट है वो कैसे जाते हैं वहाँ पे? पकड़ के लेके जाऊँ, क्या करा।
ये तो बड़ी मुश्किल है। दूसता है, कोई को बुखार ज्यादा चढ़ता तो कुछ कुछ भी करता है, तो जाना ही पड़ेगा भाई। हमारे पेशेंट ने तो साफ सफाई बराबर हो गई हॉस्पिटल में? कितने दिन से यहां पर हो आप? 3-4 दिन से। हमें तो अभी आज आज या कल में साफ सफाई हो रही है क्या? आज हुई है बस खाली। आज हुई है, इससे पहले नहीं हुई? कल तो नहीं हुई। कल नहीं हुई थी, और उससे पहले? उससे पहले भी मैं तो परसों भर्ती ही करवाई भाई ने, परसों को मन बेरो ने, कल तो सबसे बड़ी समस्या तो यही बाथरूम की है, बाथरूम टॉयलेट की है सबसे बढ़िया। बहुत गंदा वो कर रहा को, पड़े नहीं जाता। अब कैसा है? आज आ तो बढ़िया। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर महिला वार्ड में एक बाथरूम की जरूरत है। हाँ है, है ना जी। कितनी देर से आप लाइन में फिर? आधे घंटे। आधे घंटे से, क्योंकि अभी तक नंबर नहीं आया। नहीं, काफ़ी संग भीड़ है। कितने बजे आए थे? 9:05। क्या लगता है कि आपको नंबर आ जाएगा जल्दी? पता नहीं, लग तो रही ना। कितनी देर से लाइन में लगे? वो लेब वाले जांच नहीं करते। वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि डॉक्टर से लिखा के लाओ, डॉक्टर से लिखा ही लेते हैं तो कोई यहाँ कोई सुनाई नहीं है। 2-3 दिन पहले मैं आया था, उस टाइम पर डॉक्टर ने जांच लिख दी और लेब में गया तो बोले सोमवार को, शुक्रवार को आया तो बोले सोमवार को जांच करवाना। गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं है यहाँ, न सरकार ध्यान दे रही है न कुछ कलेक्टर ध्यान दे रहे हैं। तो समय पर आ गए डॉक्टर, क्या बता, मैं तो पूर्ण घटा हो गया इधर लाइन में लगे। एक बीमार आदमी 1 घंटे तक बताओ लाइन में, ये पर्ची वाले पर्ची नहीं काट रहे। एक मरीज मर जाए, एक पर्ची है ना, एक आदमी 10 पर्ची ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है, तो पीछे का मरीज मर जाओ चाहिए। ऐसा सिस्टम है कि सर परिवार का ही ले रहा है पर्ची? बिल्कुल सही बात है। एक मिनट बताओ, 5 मिनट का टापर क्या पर्ची कटाएगा या ब्लैंक लेके फोन कर देता है? मेरा कटा दिए, मेरा कटा दिए, या क्या सिस्टम है ये? ये कोई नाले कानून है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कितनी देर हो गई? आधा घंटा हो गया। अभी क्या खिड़की की और जरूरत है क्या पर्ची और कटने के लिए? नंबर ही नहीं आ पाता है, भीड़ ज्यादा रहती है। क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल? सर समस्या ये आ रही है कि मैं 3 दिन से यहाँ एडमिट हूँ, मेरे डेंगू है और 3 दिन में ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब पेशेंट है तो पेशेंट को अगर दैनिक जो प्रतिक्रियाएं होती है वो सुबह 8-8:30 बजे के बीच में होती है और पेशेंट को कभी भी परेशानी हो सकती है इसकी। तो यहाँ लेट बात इतने गंदे हो रहे हैं और कचरा जो ना तो बेड के नीचे डस्टबिन है ना कुछ, और कोई पेशेंट अगर उल्टी करे तो उल्टी कर दी है तो उसको साफ करने की कोई नहीं है। कल 12 बजे तक वो साफ हो रही है और जो भी कचरा है वो ऐसे पड़ा है तो उसे वैसे ही मच्छरों से बीमारी हो रही है, तो और ज्यादा मच्छर हो रहे हैं वहाँ और इतनी गंदगी, इतने बदबू, अच्छे ज्यादा ना वार्ड में बैठा जाता ना बाहर बैठा जाता। अब करें तो क्या करें? साफ सफाई दिन भर में होती नहीं है, एक बार होती है दिन में, बस वो करके चले जाते हैं फोर मल्टीशीन ही भा करके। बल्कि ऐसा थोड़ी ना होता है, वो बल्कि डस्टबिन होना चाहिए, डस्टबिन में डाल दे आराम से, डस्टबिन साफ हो जाए। परसों का डस्टबिन भरा हुआ, आज साफ हुआ है। आप कितने दिन तक एडमिट रहे यहाँ पे? मेरा आज 3rd डे है सर। 3rd दिन है। ऊपर की हालत तो ऐसे कि बाथरूम में अंदर जाना ही मतलब ही नहीं है सर अंदर जाने का। वार्ड में नहीं रहा जा रहा अभी तो? हाँ वार्ड में नहीं रहा जा रहा, अंदर लेट बाथ यूज करना तो बहुत बड़ी मुश्किल है। अभी सुबह 8:30 बजे प्रॉब्लम हुई तो अभी बाथरूम में यूज़ नहीं, सुलभ शौचालय जाके आया फिर बाहर जाके आया दूसरी जगह। क्या करूँ, सुलभ शौचालय जाके आया 10 रुपए दे करके, क्या करूँ अब कहाँ जाऊँ? दोनों नीचे पुरुष वार्ड है वो क्लोज पड़ा है, ऊपर जो डेंगू वार्ड है उसमें दोनों लेट बात क्लोज पड़े, अब जाएं तो कहाँ जाएं? मैं सुलभ शौचालय जाके आया 10 रुपए दे करके, क्या करूँ? मेरे तो परेशानी है। और यहाँ पर्ची कटवाते हैं तो 2 लाइन लगा रखी है सिर्फ, एक लेडीज एक जेंट्स। अगर इतनी बबड़ी बीमारी हो रही है, इतनी परिस्थिति हो रही है तो कम से कम 3-4 जगह पर्ची काउंटर तो बनानी चाहिए ना। अगर पर्ची कटवाने आते हैं सुबह 9 बजे पहुंचते हैं, 9 बजे पहुंचते हैं, 11:30-11 बजे तक पर्ची कटवाने में नंबर आता है, बीच बीच में इनका कंप्यूटर खराब हो जाता है, बीच बीच में मशीन खराब हो जाती है, 11 बजे तक नंबर आता है, 11 बजे पर्ची कटवाते हैं, फिर जाँच के लिए 2 बजे जाँच के लिए बोल देते हैं कि 2 बजे जाँच मिलेगी, 2 बजे जाँच मिलेगी, उसके बाद में ये बोल फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, ओपीडी में डॉक्टर सर नहीं मिलते, वो राउंड पे चले जाते हैं या फिर उनकी कोई मीटिंग वगैरह हो जाती है और ऐसे ही चले जाते हैं। फिर ये परेशानियां हो रही हैं।
बड़ी खराब है। ऊपर हम जनजली ऑफिस में फल फ्रूट वितरित करने गए थे तो वहाँ फल लेने के बजाय लोग हमारे ऊपर चिल्लाने लगे कि चार दिन से आज कुछ सफाई हो रही है आपके सामने, चार दिन से लेटरिन बाथरूम को कोई साफ नहीं करता, हम ही बाल्टी डालते हैं, गंदगी से जरूर मर जाएंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। तो इसके लिए हम क्षेत्रीय विधायक जी से आज बात करेंगे, यहाँ के चेयरमैन से करेंगे, सभी को शिकायत दर्ज कराएंगे, भाई व्यवस्था अगर नहीं हो रही है यहाँ के व्यवस्थापक से तो हटाया जाए, दूसरा लगाया जाए, ठेकेदार चेंज किया जाए। सरकार आपकी है और यहाँ पर विधायक कांग्रेस का है, चेयरमैन कांग्रेस का है। विधायक रोज हॉस्पिटल नहीं आ सकते, उनको तो लोग ही जाके बताएंगे तो ये व्यवस्था सही कराएंगे। आज हम उनको अवगत कराएंगे इस चीज के लिए कि चिड़ावा सरकारी हॉस्पिटल व्यवस्था बहुत खराब है, इसको आगे बढ़ाने की बजाय सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, वो ही अच्छी होगी। विधायक तो अभी चिड़ावा को सरकारी हॉस्पिटल को उप जिला हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और भाई इसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ का इंचार्ज है या स्टाफ है या ठेकेदार है, उसको टेंडर निश्चित किया जाए, दूसरा ठेकेदार मिल जाएगा। बिल्कुल, ये डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पर डॉक्टर भी नदारद रहते हैं बहुत सी बार। डॉक्टर लगे हुए हैं हमारे विधायक जी, लगाए चार पांच डॉक्टर और लगाएंगे। चार दिन से भी हॉस्पिटल में कोई सफाई नहीं हो रही है, आपकी सूचना मिली से भी सफाई नहीं है। हाँ जी सर, क्या समस्या आ रही है सरकारी हॉस्पिटल में? अपने सरकारी सफाई की बहुत ज्यादा कमी है, वो आपने भी देखी है, हर एक आप वहाँ गए हो, मैं भी गया हूँ, सब लोग गए हैं फल वितरण करने के लिए, मरीज कह रहे हैं, आपको पता है कि मरीज क्या बोल रहे हैं और जो व्यवस्था है वो कितनी गंदी है, कितनी घटिया है, वो सभी के सामने, आम जन के सामने है। तो दोस्तों काफी व्यवस्था में सुधार किया गया है कल के बाद में, और ये अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है। खैर अभी भी जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है काफी, और उनका समाधान भी जरूरी है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और जो चेयरमैन हैं, उन सभी से आग्रह करेंगे कि इस ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि डेंगू का प्रकोप जो है वो चरम सीमा पर है। खैर सफाई की कुछ यहाँ पर कुछ व्यवस्था बनी है, यहाँ पर अभी भी और भी काफ़ी समस्याएं हैं जो बनी हुई है, जैसे अभी पर्ची काउंटर है तो उसकी भी एक और ज़रूरत है यहाँ पर, तो उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, और जबकि कलेक्टर साहब ने तो निर्देश दे दिए थे। तो देखते रहिए चिड़ावा शिवनगरी, जुड़े रहिए चिड़ावा शिवनगरी के साथ। पर्ची काटने की काउंटर बढ़ाए, कुल मिलाए कुल मिला के काउंटर बढ़ाने, छोटे लाल जी को भी मैंने फोन किया था सर, कोई ध्यान नहीं। छोटे लाल है वो, उसका नाम नहीं, उसका ध्यान ही नहीं है उनका सर, अभी तक उनका कोई समाधान नहीं है सर। अब लाइन देख लो, लाइन थर्ड तक लग रही है, अब होगा समाधान सर? आपके फोन पे तो हाँ कर देंगे, उसके बाद वही नहीं, नहीं ना करे तो उसके बाद वही काम है सर, इस समस्या में ध्यान नहीं दे रहे सर।